हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अ वीडियो फॉर योर चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम योर ग्रामेटिकल पोर्शन ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। नाउ इन दिस वीडियो वी हैव टू डू आवर एक्सरसाइजेज एंड here exercise number A we have to see here as on the board I have explained you can see here you have to write adjective for the noun as the first noun is girl and for girl you have to write adjective you have to write only three adjective only three column but I have described here adjective for each column like that opinion to opinion mein you have to write here beautiful okay next is size to for size you have to write an adjective tall okay for age you can write here young for shape you can write an adjective healthy for color you can write adjective fair origin you can write here an adjective indian and material you can write here hindu so like that you have to write the adjective for the each noun one by one now you see here in this column your second adjective noun is car you can see for car your opinion is costly okay it is costly size you can write here large you can write here large okay age you can write here new shape you can write flat color here you can write an adjective white origin you can write here indian american japanese okay material it is especially used here plastic is especially used in the automobile fields so you can write here plastic or fiber okay plastic or fiber now next is cloud for cloud you see opinion is in opinion you will write dark for size you can write huge for age you can write newly for shape round for color cloud you know that cloud is always looking black ऑरिजिन नेचुरल हमने डाल दिया क्योंकि इसमें कोई इंडियन अमेरिकन तो है नहीं क्लाउड एक नेचुरल चीज़ है ठीक है तो इसमें हमने लिखा नेचुरल एंड मटेरियल में वाटर वेपर क्लाउड वेपर वाटर वेपर से मिलकर बनता है इसलिए यहाँ पे वाटर वेपर को ओके नेक्स्ट कॉलम इज ट्री For tree, we have to also write some adjective like that here. You see, opinion, you write here, lovely. For size, you can write here, thick. For age, you can write here, old. For shape, you can write round. Color के लिए you can write green. Tree green, हरे भरे tree पेड़ होते हैं ऑरिजिन में आप इंडियन ही लिख सकते हो नेचुरल भी लिख सकते हो यहाँ पे मटेरियल में ट्री से वुड ही आते हैं इसलिए यहाँ पे वुड को लिख दिया गया तो ये हो गया हमारे एडजेक्टिव ट्री के लिए ओके अभी नेक्स्ट हेडिंग आपका विलेज के लिए हमारा नाउन जो है आपका विलेज है और For village, you have to write some adjective
like that here opinion. अब opinion में आप देख सकते हैं beautiful village सुंदर होता है opinion beautiful दिया आपने. size गांव बड़ा या छोटा होता है you can write here big or small. गांव पुराने होते हैं अक्सर इसलिए ancient इधर लिख दिया ancient होता है old प्राचीन. shape circular यहाँ पे डाल दिया गया. कलर हरे भरे गांव अक्सर होते हैं इसलिए ग्रीन डाल दिया गया. अर्जुन यहाँ पे इंडियन ओरिजिन डाल दिया गया. और गांव में मिट्टी वगैरह का ही यूज ज़्यादा रहता है, मिट्टी से ही सब कुछ बना रहता है इसलिए यहाँ पे मिट्टी के लिए गांव फेमस होता है. सो मटेरियल में हमने यहाँ पे सॉइल को चीफली रूप से डाल दिया. ओके अगर देखिए नेक्स्ट आपका है सॉल. सॉल जो आप पीस ऑफ क्लॉथ दैट यू यूज टू कवर योर बॉडी ड्यूरिंग विंटर सीजन इट इज कॉल्ड सॉल. यू सी हियर फॉर सॉल लिख सकते हैं आप. वेरी यूनिक काफ़ी यूनिक पीस है. साइज लिख सकते हैं लार्ज है. आप एज में लिख सकते हैं उसको कि अभी न्यू है. शेप में आप यू कैन राइट हियर सेमी सर्कुलर. ओके कलर में यू कैन राइट हियर योर फेवरेट कलर लाइक दैट रेड ब्लू ग्रीन एनीथिंग. आई हैव मेंशन्ड हियर टू ऑरिजिन में आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डाल दिए बिकॉज इन ऑस्ट्रेलिया देयर आर मेजॉरिटी ऑफ शिप शिप सो कूलेन एरिया. सो वी हैव मेंशन्ड हियर ऑस्ट्रेलियन मटेरियल्स में ऊल ऊल से ही साल बनता है ना ऊन से रेशम से. ओके ऊल डाल दिया गया. नाउ अभी आप देखते हैं कौन सा टॉपिक है. बिल्डिंग बिल्डिंग के लिए आप लिख सकते हैं ओपिनियन में ब्यूटीफुल बिल्डिंग. साइज में लिए आप लिख सकते हैं लार्ज. एज में लिख सकते हैं मॉडर्न एज का है. अभी शेप में स्क्वायर शेप डाल सकते हैं बिल्डिंग का. कलर का उसका गोल्डन कलर आप डाल सकते हैं. अभी उस बिल्डिंग में और जिन अमेरिकन डाल सकते हैं मटेरियल में ब्रिक्स डाल दीजिए. ब्रिक्स का यूज इसमें मैक्सिमम रहता है इसलिए ब्रिक्स हो गया इसका मटेरियल. ओके नेक्स्ट देखिए आप चॉकलेट. नेक्स्ट नाउन इज चॉकलेट. फेवरेट डिश फेवरेट थिंग्स फॉर द चिल्ड्रेन. यू सी डिलीशियस हमने डाल दिया. बहुत टेस्टी डिलीशियस थिन पतले साइज के चॉकलेट काफ़ी अच्छे होते हैं. एज में हमने डाल दिया न्यू एज का भी काफ़ी न्यू अभी न्यूली मॉडर्न पीस है. अभी शेप में इसको राउंड डाल दिया गया राउंड. कलर में ब्राउन लिख दिया गया. ब्राउन कलर के चॉकलेट मैक्सिमम मार्केट में आते हैं. ओरिजिन में इंडियन डाल दिए और मटेरियल में मिल्क डाल दिया क्योंकि चॉकलेट अक्सर दूध से ही बनते हैं. सो हियर फॉर मटेरियल यू कैन राइट मिल्क. ओके नाउ नेक्स्ट नाउन इज स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट इज नेक्स्ट नाउन. यू कैन सी हियर इंटेलिजेंट आप लिख सकते हैं. आपके काफ़ी इंटेलिजेंट है स्टूडेंट. और इसके साइज भी लिख सकते हैं कि टाल साइज. और उसके साइज में टाल आपने लिख दिया. और फिर उसके एज में यंग लिख सकते हैं हम. शेप में सर्कुलर. कलर फेयर लिख दिया हमने. ओरिजिन में इटालियन डाल दिया हमने. और मटेरियल को हमने यहाँ पे क्लॉथ डाल दिया. और नाउन में आपका स्टूडेंट यहाँ पे है ही ठीक है ना. तो इसको ऐसे हो गया. लास्ट बच गया आपका पेंटिंग. नाउन हमारा है पेंटिंग. इससे रिलेटेड हमको एडजेक्टिव डालना है दैट इज़ सूटेबल टू रिलेटिव टू दिस नाउन. यू राइट हियर
ओपिनियन वेरी वंडरफुल, काफ़ी अद्भुत हुआ है, काफ़ी अद्भुत है, इसने वंडरफुल डाल दिया, ठीक है ना। साइज स्मॉल साइज मतलब बहुत बड़ी नहीं होती है, कोई कोई चीज़ें अक्सर एवरेज में होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल साइज डाल दिया। ओके नेक्स्ट जो है एज में, यहाँ पे एज में मॉडर्न डाल दिया गया, मॉडर्न है। शेप में जो है यहाँ पे उसके शेप में पेंटिंग के राउंड डाल दिया गया। अभी ये कलर में पेल कलर डाले, पेल मिस होता है लाइट येलो कलर, इसलिए यहाँ पे पेल डाल दिया गया। ओरिजिन में जो है इसके इंडियन, क्योंकि इंडिया इज़ फेमस फॉर ब्यूटीफुल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन दिस वर्ल्ड, सो आई हैव ऑल्सो यूज्ड हियर टू आवर कंट्री इंडिया, इंडियन हो गया। और मटेरियल से उसमें पेंट वगैरह का यूज होता है, तो सब एक लिक्विड होता है, सो आई हैव मेंशनड हियर लिक्विड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका ये चार्ट है, इसको आप कॉपी में कम्प्लीटली कर लेंगे। ओके गुड बाय।